कुमकुम भगिया के आज के एपिसोड में प्रज्ञा अभी का गिटार रिपेयर करती है और अभी उसकी तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ आलिया प्रज्ञा को अभी के साथ देख लेती है और उस पर इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि प्रज्ञा अभी के इतने करीब क्यों आ रही। दूसरी तरफ प्रज्ञा जाने वाली होती है, इतने में अभी उसे चश्मिश बुलाता है। प्रज्ञा ये देखकर बहुत खुश होती है कि अभी को उसका नाम अभी तक याद है। दूसरी तरफ आलिया अभी को प्रज्ञा के साथ देखकर बहुत गुस्से में होती है और वो प्लान करती है किस तरह वो प्रज्ञा को सबक सिखाए। दूसरी तरफ प्रज्ञा को बहुत भूख लगी होती है, इतने में मैनेजर उसके लिए पिज्ज़ा लाता है। प्रज्ञा मैनेजर को थैंक्स कहती है, इतने में अभी आता है और कहता है कि उसे भी पिज़्ज़ा चाहिए। प्रज्ञा उसे पिज़्ज़ा देती है और अभी पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर देता है। अभी प्रज्ञा से कहता है कि उसे लगता है कि वो ऑफिस सिर्फ उसी के लिए आती है। प्रज्ञा सोचती है कि हाँ ये बात सच है। दूसरी तरफ अभी वापस जा रहा होता है, इतने में वो प्रज्ञा से टकराता है और दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर्स कर। दूसरी तरफ आलिया सोचती है कि अभी प्रज्ञा के साथ इतना फ्रेंडली क्यों है, क्या अभी की याददाश्त वापस आ गई है। दूसरी तरफ अभी अपनी कार के पास खड़ा होता है, इतने में प्रज्ञा आती है, वो एक ऑटो रिक्शा को रोकती है। इतने में अभी आ जाता है और कहता है कि मैं इस ऑटो रिक्शे में जाऊँगा। अभी इतने में ड्राइवर को 500 रुपये देता है और ड्राइवर उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी और प्रज्ञा दोनों रिक्शा शेयर करते हैं। दूसरी तरफ पूर्व आलिया के रूम में आता है और उसे कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, सरला माँ को डरा कर। दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर रास्ते में रिक्शा रोक देता है क्योंकि रिक्शा ख़राब हो जाता है। अभी ऑटो रिक्शा से बाहर उतरता है और कहता है कि मैं 30 स्टॉल से चाय पीऊँगा।